जय हिंद फ्रेंड्स। एक्सट्रीमिज्म इज अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सर। एक्सट्रीमिज्म इज अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड। वेन एवर यू गो टू द एक्सट्रीम एक्सटेंट, एक्सट्रीमिज्म इज अ फीचर ऑफ एवरेज माइंड। लोग जय श्री राम बोलते हैं, कभी आपने सुना किसी को जय श्री लक्ष्मण बोलते हुए? भगवान वो भी है, लेकिन लक्ष्मण जी एक्सट्रीमिस्ट हैं। दोनों लोग लंका जा रहे हैं, समंदर सामने पड़ा, रामचंद्र जी ने हाथ जोड़ लिया। वेन यू हैव पावर एंड यू रिस्पेक्ट प्रोटोकॉल, यू बिकम ग्रेट। वेन एवर यू हैव पावर एंड यू रिस्पेक्ट द प्रोटोकॉल। मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, तो उनको पावर चाहिए शो करने के लिए। पावर इज टू सर्व, पावर का ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, पावर इज टू सर्व। जो अब जो सर्व कर रहे हैं वो भगवान बन गए, जो मिसयूज कर रहे हैं वो शैतान बन गए, पर पावर दोनों के पास है। हम क्यों प्रभु राम कहते हैं? भगवान है या तो ग्राम का ग्राम प्रधान, उसका लड़का बोलेरो पे इसे हाथ उल्टा करके खड़ा है कि पापा प्रधान है, तो विधायक हो गए तो वो आसमान में छेद करने पे तैयार है। किसी के फादर मिनिस्टर है, वो तो कायदे से बोलता ही नहीं। कहावतें सबको आती हैं कि फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, कहावतें सबको आती, फॉलो करना। राम भगवान है, हाथ जोड़ रहे समंदर को। लक्ष्मण जी गुस्सा भी कर रहे हैं कि भगवान आप तीनों लोग को चलाने वाले प्रॉपर आईएएस, फर्स्ट रैंक था आपका आईएएस में, आप हाथ जोड़ रहे। अरे तीन दिन, तुलसीदास जी ने कितने प्यार से लिखा है, विनय न मानत जड़त जल, तीन दिन गए तीन दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तीन दिन, एक दिन नहीं सर, तीन दिन। अब तीसरा दिन भी जब वो नहीं सुन रहा है, तब उन्हें लक्ष्मण की तरफ पलटना पड़ा कि तू सही कह रहा था, निकाल ले के 47। और फिर समंदर देवता बाहर आते, हाथ जोड़ते कि प्रभु गलती हो गई। लक्ष्मण राम लंका पहुंचते हैं, वहां भी आप देखिए उनका पहला स्टैंड क्या है, मॉडरेट स्टैंड है। उनका मॉडरेट लीडर कौन है, कौन है उनका दादा भाई नेहरू जी? विभीषण, पिटीशन एंड प्रेयर। विभीषण हाथ जोड़ते हैं रावण के सामने कि सरकार प्लीज छोड़ दीजिए, किसी की पत्नी है वैसे भी यह अधर्म है। उसने दादा भाई नेहरू जी को भगा दिया। तो फिर सेकंड फेज एक्सट्रीमिज्म, अंगद एंड हनुमान एक्सट्रीमिस्ट है, स्वराज इज अवर बर्थ राइट, लेके जाएंगे। जब वो भी नहीं माना तो फिर रेवोल्यूशनरी टेररिज्म। तब रामचंद्र जी ने कहा कि नहीं, नहीं नहीं नहीं, मारना पड़ेगा इसको, उड़ाना पड़ेगा। किसी चीज का एब्रप्टली विरोध करना, दैट इज व्हाई एनलाइटेंड माइंड इज ऑलवेज अ टिपिकल माइंड फॉर अदर्स, ऑलवेज। गांधी सबको समझ में नहीं आ सकते, लक्ष्मण समझ में आएंगे, एकदम समझ में आएंगे, बहुत सही आदमी है, तुरंत गन निकाल लिया। गांधी नहीं आ सकते। एन एनलाइटेंड माइंड इज जनरली अ टिपिकल माइंड, उसका जो अप्रोच है। जैसे हम जब क्लास 9th 10th में गांधी जी को पढ़ते थे तो हमें लगता था कि यार क्या जरूरत है हाथ जोड़ने की अंग्रेजों को, वो एक एवरेज माइंड था बच्चे का। जज्बा जो है ना, जज्बा टेम्परमेंट जिसके पास नहीं होता ना, मैं तो मानते ही नहीं कि, जैसे मैं लोगों से मिलता हूं तो मैं एक चीज उनमें चेक करता हूं कि जज्बा है, जज्बा है तो एम्बिशन तुम्हारे लिए है। नौकरी तो सभी करेंगे, 98% लोग दुनिया में नौकरी करेंगे, पर नौकर मेंटेलिटी का होना, नीचे यही तो कहता है मास्टर मोरालिटी एंड स्लेव मोरालिटी। फ्रेडरिक विलियम नीचे कहता दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं,
मास्टर मोरालिटी, और गुलाम भी है ना तो अदा रहेगी उनके अंदर। एक टाइम बीइंग के लिए गुलाम हो सकते हैं, मेंटेलिटी नहीं चेंज होगी। जंगे तो जीती ही जाएंगी सर, और जीत और हार जैसा कुछ होता ही नहीं जीवन में। लाइफ इज अ गेम, सिंपल। लाइफ इज अ गेम। हमारे जो पहले टीचर रहे मेरे पिताजी, उन्होंने बड़ी सारी बातें मुझे सिखाई। अक्सर मैं उनका नाम लेता हूं, श्री माता प्रसाद ओझा जी, पोस्ट ऑफ मास्टर रहे, पोस्ट ऑफिस पोस्ट मास्टर से रिटायर हुए, गोंडा हेड ऑफिस से रिटायरमेंट तो वो हुए वजीरगंज पोस्ट ऑफिस से, लेकिन बड़ी आम सी जिंदगी शुरुआत की, बड़ी कॉमन सी जिंदगी उन्होंने शुरुआत की। शायद जैसा कि वो मुझे बताते हैं कि मेल बॉय हुआ करते थे, मेल डिलीवर किया करते थे, मेल प्यून हुआ करते थे, और तार मैसेंजर हुआ करते थे, फिर पोस्टमैन थे, फिर डिपार्टमेंटल्स एग्जाम देते चले गए और ग्रोथ होता चला गया। तो मुझसे कहते थे कि बेटा देखो, जीवन में मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाया, शायद मैं उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया, लेकिन उन्होंने कुछ चीजें मुझे सिखाई। उनमें से एक ये भी कहा, कहा ये जो डिफीट वर्ड है ना, डिफीट कुछ दुनिया में वर्ड बनाई है, एरिस्टोक्रेसी ने बनाया है, जो शाही वर्ग है ना, इसने कुछ शब्द बनाए हैं, ये खुद तो नहीं मानती। जैसे राहुल जी हैं, इतने इलेक्शन हार चुके हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है, लेकिन फिर भी लड़ते हैं। वहीं पर एक कॉमन लड़का आईएएस का पहला प्रीलिम्स देता है, फेल हो जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये वर्ड जो डिफीट है, ये कॉन्स्पिरेसी है। इस वर्ड कुछ वर्ड है दुनिया में, उनसे आप बचिएगा। डिफीट जैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल इज अ वेरी गुड थिंग इन लाइफ। नो वन विल बी देयर इन योर लाइफ एंड दैट्स वेरी गुड। तपस्या करते वक्त कहां लोगों की जरूरत है, है ही नहीं। बुद्ध इज वॉन्डरिंग इन एंटायर नॉर्दर्न इंडिया, पूरे उत्तर भारत में बुद्ध घूम रहे हैं। जब वो घूम रहे हैं, उस वक्त एक दो लोगों का नाम सामने आता है, वो बच्ची जो है गया में, जिसने उन्हें दूध और चावल खिलाया, बाकी किस कौन मिला, किससे मिला, पता ही नहीं। पर जब बुद्ध अचीवमेंट करके आते हैं बाहर, फिर तो जो होड़ मस्ती है, बिंबसार, आजाद शत्रु, आनंद, उनकी वाइफ। सर ये लॉ है सर, जब आप यहां हो स्ट्रगल कर रहे हो, कोई नहीं होगा सर आपके साथ, होगा ही नहीं सर। उस वक्त एक दो लोग होंगे, रेयरिटी ऑफ रेयर। जैसे मैं अपने पिताजी को बोलता हूं, जैसे मेरी वाइफ है श्रीमती मंजरी ओझा जी, उन्होंने स्ट्रगल में भरपूर साथ दिया मेरा। मतलब अगर हम चावल उबाल के खाते रहे तो वो भी खाती रही। हमारे पास पैसा नहीं था कि हम उन्हें एसी में भेजें, तो वो जनरल में ही जाती थी दिल्ली से। बहुत कम लोग होते हैं सर, वो डरने की बात नहीं होती सर, अच्छा है। इसीलिए बहुत बड़े घर के जो लोग होते हैं ना, बहुत पैसे वाले घरों के लोग जो होते हैं, बहुत पावरफुल घर के जो लोग होते हैं, वो बहुत लोगों से घिरे हुए होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। अगर आपकी आप देखिए इस बात को गौर करें कि जितने ऊंचाई नीचे तबके से लोग ऊपर उठकर जितने ऊंचा पहुंच जाते हैं, उतना आम तौर पर एरिस्टोक्रेसी के लोग नहीं पहुंच पाते। लालू जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, मुलायम सिंह यादव जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। एज अ पॉलिटिशियन वो कैसे थे वो मुझे नहीं पता, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। मायावती जी उसका बहुत बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि जितने लोग आपके पास रहेंगे उतना डिस्ट्रैक्शन। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं और 10 दोस्त हैं आपके, आप खतरे में हैं सर, हो ही नहीं सकते। 15 दोस्त हैं, 20 दोस्त हैं, 25 दोस्त हैं, हो ही नहीं सकते सर। एक होगा कोई जो आपको हर हफ्ते फोन करके बोलेगा, यार आज बाजार में जा रहे थे, पंडित जी मिले थे, तुम्हारा नाम बताए, बोले प्रॉपर आईएएस, भले उसे कोई ना मिला हो। हर वो आदमी जो आपको उत्साह दे रहा है वो आपका दोस्त है। हर वो आदमी जो आपको उत्साह दे रहा है, हर वो आदमी जो आपकी मुसीबत में आपको याद करता है, वो आपका दोस्त है।
ये सब पैरामीटर्स हैं सर। वो जो शराब पे आपको बुला रहा है वो तो दोस्त है ही नहीं सर, उसका तो डायरी से नाम ही काट दीजिए, पॉसिबिलिटी ही नहीं। बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है। जो आपको जूस पीने के लिए बुला रहा है ना कि यार अवध हो जा, आ जाओ शाम को, आज 10 ग्लास अनार का जूस पियेंगे, वो दोस्त है सर। समझना ही तो महानता है सर, डिफीट जैसी कोई चीज नहीं होती सर। इट्स अ वर्ड क्रिएटेड बाय एरिस्टोक्रेसी टू कंफ्यूज कॉमन पीपल। उस कॉमन में से जो कोई आदमी से समझने लगता है वो बाहर आ जाता है उससे। अंबेडकर बाहर आ गए, गांधी बाहर आ गए, कलाम बाहर आ गए, लिंकन बाहर आ गए, सब नहीं आ पाते सर, सबको समझ में ही नहीं आता। लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, हंसने दो, हम कौन सा मुगल खानदान से हैं कि लोग हंसेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ जाएगा। और अगर आप हैं तो फिर आप चिंता करिए, हम तो नहीं थे। डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकालना है, डिप्रेशन से लोगों को बचाना है। गेम चलता रहेगा सर, अग्रवाल साहब ने कहा ना द शो मस्ट गो ऑन, गेम तो चलेगा सर, गेम तो खत्म ही नहीं होगा। इंटरेस्ट बड़ी प्यारी चीज है सर, हम सब इंटरेस्ट को जानते हैं, समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर। पर मैंने कहा ना एक्सट्रीमिज्म, दुनिया में 2 ही 3 शब्द तो समझने लायक हैं, बाकी सब कुछ समझना नहीं है सर, कुछ भी नहीं। वो 2-3 शब्द अगर आप समझ गए, उसमें से एक शब्द है इंटरेस्ट, बड़ा प्यारा शब्द है सर। लेकिन मानवता के नाते, ह्यूमनिज्म के नाते, कुछ काम बिना इंटरेस्ट के भी करना चाहिए।